हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता कब मांग सकता है, किस स्थिति में मांग सकता है। इंदौर में फैमिली कोर्ट ने ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी को आदेश दिया कि वह 12वीं पास पति को हर महीने 5000 रुपए का गुजारा भत्ता देगी। 23 साल के विजय और 22 साल की दीपा का तलाक और गुजारा भत्ते को लेकर मुकदमा इंदौर फैमिली कोर्ट में चल रहा था। इनकी दोस्ती अपने एक मित्र के जरिए हुई थी। पहले दोनों में बातचीत हुई, इसके बाद प्यार और शादी की तरफ मामला बढ़ गया। विजय के मुताबिक दीपा उसको पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने ही प्रपोज किया। विजय उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन दीपा ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं की तो वह जान दे देगी। इस दबाव में आकर विजय ने दीपा के साथ साल 2021 में आर्य मंदिर में शादी कर ली। विजय की शादी से उसके परिवार वाले खुश नहीं थे। विजय मजबूरी और डर में घुट घुट कर दीपा के साथ रह रहा था। दीपा से परेशान विजय एक दिन उसे छोड़कर भाग गया और अपने परिजन को पूरी बात बताई। इसके बाद विजय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में भरण पोषण के लिए केस भी दायर किया। विजय के केस दर्ज करवाने के बाद दीपा ने भी विजय पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। कोर्ट में दीपा ने बताया कि वह कामकाजी नहीं है, उसने विजय से भरण पोषण की भी मांग की। विजय ने कोर्ट को बताया कि वो 12वीं पास है और दीपा की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। वह उसे बहुत प्रताड़ित करती थी, इसलिए वह घर से भाग गया। विजय ने कोर्ट को बताया कि जब पत्नी दीपा ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, तब उसने पुलिस को बताया था कि वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। इससे दीपा का झूठ पकड़ा गया। इसके बाद कोर्ट ने पत्नी दीपा को आदेश दिया कि वह हर महीने 5000 रुपए भरण पोषण अपने पति विजय को देगी। जब पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा हो तो सेक्शन 25 के तहत भरण पोषण के लिए पति द्वारा गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है। आमतौर पर पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने के मामले ज्यादा होते हैं। यह समझना जरूरी है कि पति किन हालातों में गुजारा भत्ता के लिए मांग कर सकता है। पति के मामले में यदि पति बेरोजगार है जबकि उसकी पत्नी के पास कमाई का साधन है तो वह भत्ते की मांग कर सकता है। इसी प्रकार यदि पति शारीरिक या मानसिक रूप से कमाने में असमर्थ है और उसकी पत्नी कार्यरत है तो वह वित्तीय सहायता का अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा यदि पति के पास अपनी पत्नी के साथ अदालती मामले के दौरान कानूनी फीस को कवर करने के लिए धन की कमी है या यदि वह बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो वह वित्तीय सहायता मांग सकता है। देश में तलाक के दो तरीके, एक तो आपसी सहमति से तलाक और दूसरा एक तरफा अर्जी लगाना। पहले तरीके में दोनों ही राजी खुशी से संबंध खत्म होते हैं। इसमें वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसी बातें नहीं होती है। इस वजह से इसके जरिए तलाक मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। आपसी सहमति से तलाक में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होता है। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए पति पत्नी दोनों को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(ख) के तहत कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है। आपसी सहमति से तलाक की अपील तभी संभव है जब पति पत्नी साल भर से अलग रह रहे हों। पहले दोनों ही पक्षों को कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है। दूसरे चरण में दोनों पक्षों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं और दस्तखत और औपचारिकताएं होती हैं। तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वो अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सके। कई बार इसी दौरान मेल हो जाता है और घर दोबारा बस जाते हैं। 6 महीने के बाद दोनों पक्षों को फिर से कोर्ट में बुलाया जाता है। अगर किसी तरह से शादी नहीं चलने वाली होती है तो कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और रिश्ते के खत्म होने पर कानूनी मुहर लग जाती है। आपसी रजामंदी से तलाक में वकील की फीस 10,000 से लेकर 1,00,000 तक हो सकती है। विवादित मामलों में यह 50,000 से 5,00,000 तक हो सकती है। अब ज्यादातर मामलों में वकील एक बार में ही फीस लेते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते समय ही 75,000 से 1,00,000 तक पहले ले लेते हैं। आपसी सहमति वाला मुकदमा भी 1 साल तक चल जाता है। जिनमें विवाद होते हैं अभी भी सालों साल चलते हैं। जल्दी निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है जहाँ के वकील की फीस 5,00,000 से शुरू होती है। लोअर कोर्ट में फैसला लटका रहता है। अमीरों के मामलों में पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मामले जल्दी निपट जाते हैं। वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस देने में पीछे नहीं रहते, बड़े बड़े वकील उनके लिए खड़े हो जाते हैं। गरीब के लिए हाई कोर्ट तक पहुंचना ही मुश्किल होता है, उसे गुजारा भत्ता देना ही पड़ता है। ऐसे में वह लंबे खर्चे में पड़ जाता है, इनके मुकदमे भी लंबे चलते हैं। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब तलाक के लिए 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं रही, बल्कि इससे पहले भी विवाहित दंपति अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि रिश्ता नहीं सुधरने वाला, तलाक होकर ही रहेगा, तो इस 6 महीने के इंतजार को खत्म किया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि 6 महीने के लिए सुलह का समय देना चाहिए तो वह ऐसा कर सकता है। इस फैसले से उम्मीद की एक किरण दिखी। असली सुधार तब होगा जब बिना किसी अधिक समय के कम से कम समय में तलाक मिलने लगे।
पति पत्नी में से एक अगर आर्थिक तौर पर दूसरे पर निर्भर है तो तलाक के बाद जीवन यापन के लिए सक्षम साथी को दूसरे को गुजारा भत्ता देना होता है। इस भत्ते की कोई सीमा नहीं होती है, ये दोनों पक्षों की आपसी समझ और जरूरतों पर निर्भर करता है। कोई समस्या होने पर कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ता है। यदि पति पत्नी के बच्चे होते हैं तो बच्चों की कस्टडी किसे मिले, यह भी विवाद का विषय होता है। इसी तरह से अगर शादी से बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी भी एक अहम मसला है। चाइल्ड कस्टडी शेयर्ड यानी मिलजुल कर या अलग अलग हो सकती है। कोई एक पेरेंट भी बच्चों को संभालने का जिम्मा ले सकता है, लेकिन अगले पक्ष को उसकी आर्थिक मदद करनी होती है। असल में गुजारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी दो ऐसे बड़े मामले हैं जिनके जरिए तलाक के मामले लंबे समय तक चलते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि तलाक जल्दी मिले जिससे दोनों ही अपने तरह से अपना जीवन गुजार सके। तलाक की प्रताड़ना से शादी सजा लगने लगती है। पति पत्नी दोनों में से जो भी तलाक मांगे उसे मिल जाना चाहिए। शादी के बाद अगर बच्चा हो गया है तो उसकी देखरेख के लिए अच्छी रकम मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के पैदा होने में उसकी कोई सहमति नहीं होती है। इसके उलट जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो उनकी आपसी सहमति होती है। ऐसे में तलाक के जिम्मेदार दोनों होते हैं। शादी करने का मतलब यह नहीं होता कि जिंदगी भर पत्नी की जिम्मेदारी निभाई जाए। आज समाज में पति पत्नी दोनों कमाने वाले होते हैं। लड़कियों को भी नौकरी करना चाहिए जिससे वह अपनी आजीविका चला सके, कोई किसी पर निर्भर ना रहे। जब तक साथ है तब तक भी आपसी खर्चे मिल बांट कर करें, जिससे अलग होने पर किसी तरह की बेचारगी का भाव ना रहे। इसके अतिरिक्त यदि वह स्वेच्छा से बिना किसी वैध कारण के अपने पति से अलग रहती है, यदि वह आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, या यदि वह शादी के बाद किसी अन्य रिश्ते में शामिल है, तो वह भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती है। तलाक का मुकदमा अगर आपसी सहमति और बिना किसी लंबी बहस के मिल जाए तो बहुत सारे पति पत्नी विवाद खत्म हो जाए। एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के मुकदमे लिखाते हैं, संबंध खराब होते हैं, पत्नी मारपीट, घरेलू हिंसा, बलात्कार जैसी धाराओं में मुकदमा पति पर प्रभाव डालने के लिए लिखाती है। तो जवाब में पति जेवर चोरी, अवैध संबंध जैसे आरोपों में मुकदमा लिखाता है। यह एक दूसरे पर दबाव के लिए डालने के लिए लिखाए जाते हैं। अगर आसानी से तलाक मिल जाए तो तलाक के बाद भी आपसे संबंध खराब नहीं होंगे। दिक्कत यह है कि फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी सोचते हैं कि हिंदू विवाह संस्कार है जिसमें औरत को कोई हक नहीं है और वह पति को परमेश्वर मानकर सेवा करे। वे कोशिश करते हैं कि विवाह को तोड़े नहीं, चाहे दोनों पक्ष रोते रहे। यह संस्कार और संस्कृति पुरुष पर भी भारी है, औरतों का तो कहना ही क्या है। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया पति किस स्थिति में अपने पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।